ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਕਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਉਹਦੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਕੱਢੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਜਿਸ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 4 ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜੂਦੀ ਚ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੂਦੀ ਚ ਓਕੇ ਜੂਦੀ ਚ जजिस जिहड़ा न्याइयां दी किताब उहदा कैपिटलो क्वात्रो मैं इटालियन च बोल दिता जिहड़े इटालियन पढ़न वाले तुसीं कढ के पढ़ सकदे आ मैं पंजाबी दे विच इहनूं पढ़ांगा लाइव जिहड़ा जूदी च जजिस न्याइयां दी किताब उहदा 4 अध्याय पहला मैं पढ़दा पहली आयत तों इत्थे लिखिआ के एहूद दे मरण दे मगरों इजराइल ने यहोवा अगे फिर बुराई कीती सो यहोवा ने उन्होंने कनान के राजा याबीन के हाथ वेच दिता जो हसोर विच राज करता सी अते उसके सेनापति का नाम सीसरा सी जो ओपरिया कौमां दे हरोशत विच वसदा सी तां इसराइलियां ने यहोवा दे अगे दुहाई दिती क्यों जो उसके कोल 900 रथ लोहे दे सन अते उसने 20 वरिया तक इसराइलियां नूं डाढा दुख दिता हालेलुया एहूद के मरण पिछो इजराइल ने यहोवा अगे फिर बुराई की एहूद एक न्यायी एक जजिस होया सी एक जज होया सी जो न्यायी सी राजा तो पहला जो राजे सी कि पहला राजा शाऊल सी उस तो बाद दाऊद सी राजा तो पहला राजे जो नहीं सी न्यायी सी जज सी जिहड़े परमेश्वर एक चोजन वन नूं खड़ा करता सी इसराइल का न्याय करता सी इसराइल की अगवाई करता सी राजा तो पहला जिहड़े न्यायी हुंदे सी एहूद के मारन के मगरों इसराइलियों ने फिर यहोवा की निगाह बुराई की परमेश्वर ने फिर उन्होंने छड़ दिता त्याग दिता फिर पराई कौम ने पराए राजे ने उन्होंने डाढ़ा दुख दिता जो फिर दुख पाया इसराइलियों ने उन्होंने फिर परमेश्वर के अगे दुहाई दी परमेश्वर के अगे प्रार्थना की लिखा 20 वरे 20 ईयर विनती आनी जिहड़ा वह राजा इसराइलियों परेशान दुख दिंदा रहा क्योंकि परमेश्वर दे निगाह इसराइलियों ने बुराई की परमेश्वर ने अपना अनुग्रह अपना हाथ उन्होंने उत्तों उठा लिया अगे कैपीटल साइड में चलीए चैप्टर 6 जिहड़ा वा इसे सेम मैं पहली तो पढ़ता ये भी इतने लिखा इसराइलिया ने यहोवा अगे बुराई की तद यहोवा ने उन्होंने 7 वरिया तोड़ी मिद्यानिया के हाथ विच कर दिता हालेलुया उत्थे उन्होंने दुहाई दी चैप्टर 4 च पढ़िया परमेश्वर ने फिर अनुग्रह किया अगले चैप्टर नूं सारे चैप्टर नूं पढ़ने आ परमेश्वर ने फिर उन्होंने सार लई उन्होंने खबर लई उन्होंने छुड़ाया एक न्यायी नूं खड़ा किया एक अगुए नूं खड़ा किया उन्होंने छुड़ाया इत्थे आपां लिखदे कि इसराइलिया ने फिर यहोवा दे अगे बुराई की यहोवा ने फिर 7 साल ਲਈ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੇ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਔਰ ਮਿਦਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 2 ਕੋਟੇਸ਼ਨ 2 ਵਰਸਿਸ ਪੜੀਆਂ ਵਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਪੜੀਆਂ ਆ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੁਰੀਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹਟਾ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਿਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨੋਇੰਟਡ ਵਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸرائیਲੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦੁਆਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਫਿਰ ਬੇਮੁਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਫਿਰ ਦੁਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਐ ਗੋਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ
हालेलुया हालेलुया आज भी विश्वासी दा यही हाल है हालेलुया हालेलुया अजीजो मैं तेरे के कुछ चीजा रखांगा बाइबल दे विचो जिद्दा इजराइलिया नु परमेश्वर खिडाउंदा सी ओ कुछ समय तक चलदे सी उस टेस्टमनी नु उस गवाही नु याद रखदे सी जिद्दा इजराइली समुंदर चो निकलिया जकारे परमेश्वर दे मूसा ने गीत गाया मिरियम मूसा दी भैन ने गीत गाया थोड़ा जिहा समा लंघदा वा फिर वह गवाही चेते भुलनी शुरू हो जाती है थोड़ा जिहा समा लंघदा आ फिर उत्थे ही पुरानी पोजिशन ते आना शुरू हो जाती है ते फिर की हुंदा फिर डाढ़ा दुख आउंदा वा ते फिर परमेश्वर की दुहाई दिंदी आ परमेश्वर फिर भला परमेश्वर फिर सुनदा वा फिर खिडाउंदा आ फिर थोड़े साल गवाही चेते रहिंदी आ फिर सेम चीज फिर थोड़ा 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 वो जिदा नहीं पुराना घटा पैना शुरू हो जाता तो चीज दिखनी हट जाती हालेलुया हालेलुया असि जो पुराने समय च भी इदा हुंदा आया ते अज भी इदा ही हो रहा आ हालेलुया अज सानू परमेश्वर दे कीते अनुग्रह नू हमेशा याद रखन दी लोड़ आ ओदी दित्ती टेस्टमनी नू हमेशा याद रखन दी लोड़ आ दित्ती गवाही नू हमेशा याद रखन दी आमीन हालेलुया याद रखियो उस समय नू किदा परमेश्वर तुहानू दुनिया दी भीड़ दे विच्चों कढ के लाया सी याद रखियो उस समय नू परमेश्वर तुहानू अंधकार दे विच्चों कढ के चानण दे विच्च लाया सी याद रखिए तुसी बीमारी दे नाल लड़ रहे सी परमेश्वर ने तुहानू हीलिंग दित्ती सी याद रखिए तुसी कर्जे दे हले डुबे होए सी परमेश्वर तुहानू कर्जे तो मुक्त किया सी हालेलुया हालेलुया हुंदा की है जदों गवाही मिलदी आ इंसान थोड़ा चिर याद रखदा रीजन की आ अज आप परमेश्वर की बहुत सारे लोग बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते रीजन यही आ कि थोड़ा समा सू याद रहा परमेश्वर ने की किया थोड़े समय के बाद आप फिर अपना ही काम करना शुरू कर दें अपने असली करैक्टर के आना शुरू कर दें हालेलुया दाऊद दाऊद हमेशा बाइबल दसदी आ जबूर 103 पढ़ते कहता हे मेरी जान यहोवा नू मुबारक आख ओदे कीते हुए सारे उपकारा नू तू ना भुला हर एक ओदे उपकार ओदी दित्ती ब्लेसिंग्स नू तू याद रख आमीन आमीन दाऊद हमेशा रिमेंबर रखदा सी दाऊद जो गोलियथा लड़न लगता आ दाऊद याद करदा वा जो मैं शेर नाल लड़िया सी उदों भी परमेश्वर ने मेरी मदद कीती सी मैं शेर नू भी मार दिता सी गोलियत अगे खड़ा आ दाऊद नू याद आंदा वा एक बारी मैं क्रिश नाल लड़िया सीगा उदों भी परमेश्वर ने मेरी मदद हालेलुया हालेलुया हे मेरी जान यहोवा नू मुबारक आख ओदे कीते सारे पर उपकारा नू तू ना भुला आमीन आमीन जदों तुसीं अपनी ब्लेसिंग्स नू अपनी टेस्टमनी नू परमेश्वर दे अनुग्रह नू याद रखदे आ परमेश्वर तुहानू अगली गवाही दे पाउंदे आ परमेश्वर तुहानू ते होर अनुग्रह कर पाउंदे आ परमेश्वर तुहानू होर आशीषित कर पाउंदे आ आमीन आमीन मेरी लाइफ दा एक मैं तुहानू दसदा सीक्रेट जदों कि तुहाडा ना मन मैं अपनी लाइफ विच इसनू प्रैक्टिकली कीता वा बड़ा लगे लॉस हो गया घाटा पै गया आ पै गया एक बार उस समय चेते कर लो जो पैर पाने के लिए जुत्ती भी है नहीं सी हालेलुया तुम सारा कुछ ही चेते आ गया कि परमेश्वर ने की किया हालेलुया 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 तुम मन बड़े घटा घड़े दिल बड़ा तेन लॉस हो गया घाटा पै गया आ हो गया फलाना हो गया तुम एक बार उस समय याद कर लो जितों परमेश्वर कढ के लेके आया सी तुहाडा सारा ही माइंडसैट हो जाना है आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया इसराइलियन दी यही प्रॉब्लम सी अज गवाही लेंदे सीगे थोड़े साल बोलो जय जयकार हां थोड़े साल वर्शिप थोड़े साल हैकल चलदी सी उस तो बाद फिर सारा कुछ ही रीजन की सीगा परमेश्वर दे अनुग्रह नु दित्ती हुई गवाही नु हौली हौली भुलना शुरू जो तुसी याद रखोगे एवरी डे परमेश्वर के अनुग्रह नु परमेश्वर मेनू कित्थों कढ के लाया परमेश्वर मेनू अंधकार चो कढ के लेके आया परमेश्वर मेनू टेस्ट बनी दा याद रखोगे ताडी जिहड़ी स्पिरिचुअल लाइफ आ अनबैलेंस नहीं होवेगी हमेशा बैलेंस दे विच रहेगी दाऊद ज़बूर 51 दे विच लिखदा कहिंदा परमेश्वर मेरे अंदर एक पाक मन उत्पन्न कर ते मेरे अंदर नवे सिरे तो स्थिर आत्मा
स्थिर आत्मा, स्थिर आत्मा वो आत्मा जेड़ा डगमगाता नहीं, जेड़ा अनबैलेंस नहीं हुंदा, स्थिर आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा अचल वा, इनवरियाबल आ, जेड़ा वरियाबल नहीं हुंदा, उत्ते थले नहीं हुंदा। दाऊद भी ना मेरे अंदर स्थिर आत्मा पैदा कर। हालेलुया, जो तुसी चलोगे दारा परमेश्वर दे भलाईयां नूं याद टेस्टमनी नूं, तुसी स्थिर रहोगे। हफ्ता वर्शिप कर ली, फिर मन कुछ होर कह रहा, फिर आप डाउन हो गए हफ्ते के बाद, फिर नो। जिन्हें ने हिस्ट्री लिखी आ, बाइबल दस दी आ, जिन्हें बाइबल हिस्ट्री मेकर आ, उन्हें दे लाइफ अनबैलेंस नहीं सी, बैलेंस दे विच सी, कंट्रोल्ड लाइफ सी। हालेलुया, हालेलुया। अगर दाऊद की गल करता मैं, दाऊद कहना मेरे अंदर स्थिर आत्मा पैदा कर, जिहड़ा ना डगमगाउण वाला, अनबैलेंस ना होण वाला, हमेशा परमेश्वर दे नाल। जिहड़े दाऊद, मूसा, अब्राहम, किहड़े किहड़े गदाउन दे बारे पढ़ रहे हां, इन्हां दी लाइफां एक बैलेंस विच रहिंदियां सी। आमीन, आमीन। परमेश्वर दी भलाई नूं याद रखदे सी, परमेश्वर कित्थों कढ के लिया, परमेश्वर ने किहड़ा विजन दित्ता आ, परमेश्वर ने किहड़े काम दे लई खड़िया कीता आ। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हें हिस्ट्री लिख दी, आप जो उस हिस्ट्री नूं पढ़दे आ, उस इतिहास नूं पढ़ के आप ब्लेस हुंदे आ। आमीन, जो तुहाडी लाइफ एक स्थिर होगी, बैलेंस दे विच होगी, तुसी हिस्ट्री मेकर बन जाओगे उस दिन। आमीन, आमीन। मैं क्या, अगर तुसी वर्ड नूं रिसीव कर रहे, नेक्स्ट हिस्ट्री मेकर तुसी आ, नेक्स्ट हिस्ट्री मेकर तुसी आ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन किद्दां, इज़राइल वांगू अज गवाही लई, अज ब्लेसिंग लई, थोड़े दिन वाहवा काफी उतार ले आ, उस तो बाद याद रखो एक बहुत खतरनाक डेंजरस चीज आए एक मसीही दे लई, अगर तुसी मसीह दे विच तरक्की करना चाहुंदे आ या कुछ इतिहास लिखना चाहुंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। एक मैं ए हिस्ट्री नूं पढ़िया नहीं खुद, इस करके मैं तुहानूं साफ क्लीयर दसदा, लेकिन मैं खुदा दे दास दे कोलों सुनिया मैं इस चीज नूं, बाइबल तो इलावा उन्होंने स्टडी की दाऊद की लाइफ के बारे, वह दसते कि दाऊद जो जिथे खाना खाने लिए बहिंदा सी, डाइनिंग टेबल कह लो, उहदे बिल्कुल फ्रंट के उत्ते दाऊद ने अपने वह कपड़े टंगे हुए सी जदों भेडा चारदा हुंदा सी। हालेलुया, हालेलुया। वह कपड़े उन्हें उत्थे टंगे हुए सी बिल्कुल डाइनिंग टेबल के सामने, और रोज खाना खान जाता सी, रोज उन्होंने देखता सी। हे मेरी जान यहोवा नूं मुबारक आ, उहदे कीते पर उपकारां नूं तूं ना भुला। जिहड़ा बंदा हर रोज अपनी टेस्टमनी नूं याद करदा, परमेश्वर दे अनुग्रह नूं याद करदा, उह कदे वी अनबैलेंस नहीं हुंदा। उह इदां नहीं हुंदा कि अज प्रार्थना कर ली कल नूं नहीं कीती, अज वर्शिप कर ली कल नूं नहीं कीती। उह हमेशा वर्शिप करदा, उह एवरीडे प्रेयर करदा, एवरीडे वर्शिप करदा, उह एवरीडे परमेश्वर दे वचन ते मनन करदा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी गवाही नूं याद रखिए, परमेश्वर दे अनुग्रह नूं याद रखिए, अगर एक कंट्रोल्ड लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ नूं जीना है। आमीन, आमीन। कि दाऊद दी लाइफ च लड़ाइयां नहीं आईयां, परेशानियां आईयां, लेकिन सारियां लड़ाइयां विच उहने फतह पाई। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कि तुसी जो अपनी टेस्टमनी नूं भुल के परमेश्वर तो बेमुख होना शुरू कर दें, या आप छड्डे पैना शुरू हुंदे आ, या ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੇਦਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਵਾਈਵਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਠੰਡਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਬੇਮੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆਪਣਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। 20 ਸਾਲ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ 7 ਸਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ 13 ਸਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ 18 ਸਾਲ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਛਿੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਖਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਬਚਾ ਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਫਿਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਕੰਟਰੋਲਡ ਲਾਈਫ, ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਜੀਓ, ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਕਰੋ ਖਾ ਦੌਰ ਦਾਊਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੈਰ ਸੀ ਤੋਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਬੂਰ 51 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ,
तौबा ओदी सच्चे दिल तो सी और मैं उस चीज वाल नहीं जाना लेकिन मैं उन्हें व्यभिचार किया जो ने तौबा की पक्का प्रूफ बाइबल दिंदी है इस चीज का। हालेलुया मैं उस स्टडी विच नहीं जाना हूं फिर टाइम तुम दसूंगा हाले ओदी तौबा जिहड़ी सी फिर श्योर सी। हालेलुया मूसा फिर कितने अनबैलेंस होया अब्राहम कितने अनबैलेंस होया स्थिर आत्मा हमेशा इको जहा रहने वाला अवरी आ भी लेकिन कदे भी इदा नहीं होंगे उपर थले नहीं होंगे। हालेलुया एक किदा पॉसिबल आ जो तुसी एवरी डे परमेश्वर दी दित्ती हुई टेस्टमनी नु याद कर दे ओदी कीती कृपा ओदे कीते अनुग्रह ओदे ग्रेस नु याद कर दे कि परमेश्वर ने केड़ी केड़ी भलाई मेरे नाल कीती आ। आमीन अजीजो अज तुहानू गवाही मिली आ दो दिन चार दिन एक हफ्ता एक महीना दो महीने तुसी बहुत एक्साइटेड आ तुसी बहुत रिवाइवल चाहे कोई वड्डी गल नहीं गी रहना ही आपां परमेश्वर ने गवाही जो दित्ती आ। हालेलुया वड्डी गल ए आ उस गवाही नू हमेशा याद रखना वड्डी गल ए आ उस अनुग्रह नू हमेशा याद रखना। आमीन मैं पहला कह रहा था मैं प्रभु दे अनुग्रह दे द्वारा मैं कोई भी स्टेप एक्साइटेड होके कदे भी नहीं लेना मैं कोई भी गल एक्साइटेड होके नहीं बोलता जो बोल दी वो परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन हालेलुया एक्साइटेड होके फैसले ना लईए एक्साइटेड होके गल्लां ना करिए जिहड़ी गल करनी परमेश्वर दे वचन दे द्वारा करिए तुसीं देखोगे ये पूरी होगी। आमीन हालेलुया इसराइलिया ने यहोवा के बुराई की तो यहोवा ने सत्तर वर्या थोड़ी मिद्याने हाथ में उन्होंने कर दिता वेख दिता चलो फिर करो और फिर दुहाई देंगे परमेश्वर फिर यह चीज रिपीट होंगी जा रही है क्यों क्योंकि अपनी टेस्ट मनी परमेश्वर के अनुग्रह भूल जाते थोड़े साल बाद लगता से लै परमेश्वर ने किया आप ही कर लिया सारा कुछ और यह चीज थोड़े साल बाद आती सी उदो नहीं उदो कहते थे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हालेलुया अज परमेश्वर का धन्यवाद कह कर रहे जी गवाही के लिए दस साल बाद भी उस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद ही करना हालेलुया और लाइफ एक बैलेंस स्थिर आत्मा वाली लाइफ आ। मैं तुम दस दा पहले दसिया के जो तुम लगे ना बहुत तरह तरह के ख्याल आने की हो गया एक बार ठंडे गया दिमाग ना सोचिए परमेश्वर दी भलाइयां ठंडे गया दिमाग ना सोचिए परमेश्वर तुहानू कित्थों कढ के लेके आया है। आमीन तुहाडा सारा माइंड सैट हो जाएगा तुहाडा सारा दिमाग सैट हो जाएगा। हालेलुया परमेश्वर भला परमेश्वर याद रखिए अज सानू ओदियां भलाइयां नू दित्तियां टेस्टमनी नू आपां याद रखना वा जे तुसीं इदां चलोगे ना तुसीं देखोगे तुहाडी लाइफ जगमगा देगी नहीं ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੀਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਗਮਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਫਸਟ ਡੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਿਮਾਈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਰਿਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਰੈਡੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ
ਆਵੇਗੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ, ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਵਾ, ਤੀਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਥੋੜੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾ। ਨੋ 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 ਨੋ, ਇਹ ਗੜਬੜ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਰ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਤਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆਨੰਦ ਕਬਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਆ ਔਰ ਅਨੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਰਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਬੁਰਿਆਈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਔਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਕੱਲੇ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬੁਰਿਆਈ ਕਰੋ ਪਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੜਦੇ ਸੀਗੇ ਮਦਿਆਨੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਛੁਡਾਇਆ, ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਹੀ ਲੰਘੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਮੇਨ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।